लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को इंसाफ दिलवाने के लिए अमृतसर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रेलवे स्टेशन पर मौन व्रत रखा गया। इस धरने में पीपीसीसी के कार्यकारी प्रधान सुखविंदर सिंह डैनी, एमएलए सुनील धत्ती, पीपीसीसी के महासचिव जोगिंदर पाल ढिंगरा, नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन दमनदीप सिंह, सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी के अलावा कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठे। वही कांग्रेस द्वारा रखे गए मौन व्रत में विधायक इंद्रबीर सिंह गुलारिया भी मुख्य रूप में पहुंचे। अमृतसर से कैमरामैन मणि के साथ सोनू सोडी की रिपोर्ट, लाइव भारत। अज देश दे विच अराजकता दा माहौल है जी, कोई अपने आप नूं सेफ नहीं समझ रहा। डिक्टेटरशिप पूरी तरह हावी है। गौरव सी हिंदुस्तान नूं अपने लोकतंत्र ते, अज अफसोस ना कहना पैंदा, सारियां एजेंसियां कैप्चर कर लीतियां गईयां ने। न्याय लई लोकां नूं सड़कां ते बहना पै रहा। देश दे विच जिहड़े ये नफरत दी वोटां लैण दी एक सिलसिलेवाई ये राजनीति जो शुरू हुई है 2014 तो, यह देश लिए घातक साबित होएगी। ये मैं गुरुआ की नगरी श्री अमृतसर साहब तो कहना चाहना। हिंदुस्तान के इतिहास के सारे ने मिल के कुरबानी की है आज़ादी दवान के, अलग अलग धर्मों ने अपना योगदान दिता, चाहे सिख हिंदू ईसाई, सारे ने लखां की तादाद शहीदियां दे के देश की आज़ादी प्राप्त की। अज उस आज़ादी को खतरा, अज सिर्फ मैं कहना चाहवागा उस शहीदा दिया शहादत जड़िया हुई ने उन्होंने पहरा देने की लड़ उन्हों की सोच से पहरा देने की लड़ है। देश की एकता तो अखंडता खतरे च पई जा रही है। कश्मीर च की हो रहा, अज शिलोंग च की हो रहा, अज देश के दे होर कंट्री दे लखीमपुर भी मैं बेच जो लै लव, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग मुश्किलां जो सेंटर गवर्नमेंट ने ये डिवेलप कीतियां ने, आप क्रिएट कीतियां ने, वो रोश दे विच असीं इकट्ठे। मसला एक नहीं है जी, लखीमपुर दा ये मसला एक नहीं है, ये सैकड़ों मसले ऐसे इकट्ठे हो गए देश दे विच। लोग डर गए हिंदुस्तान दे विच, लोकतंत्र खतरे च पै गया। मैं किसान अंदोलन तो लैके डीमोनेटाइजेशन तो लैके देश दे विच महंगाई दे आलम तो लैके GST तो लैके देश की बेरोजगारी तो लैके बहुत सारे मुद्दे अज देश दियां सरहदां ते जो खतरा बनिया पिया, चाइना की फोर्सेज किस तरह के तरीके नाल लेह लद्दाख तक आ गई ने, कोई रोकण टोकण वाला नहीं है। ये देश दे विच उलझा के लोगों नूं लड़ा के राजनीति की जा रही है। मौन वर्त रख्या गया, असीं मौन रह के ये रोष प्रगट करांगे। सर सुखबीर बादल का कहना है कि एक दिन के मौन वर्त का कुछ नहीं बना, नवजोत सिंह सिद्धू नूं चाहिए कि लंबा मुहूर्त वर्तन धार लैन, कांग्रेस वास्ते सही रहेगा। और को डर गए जी, नवजोत सिंह सिद्धू जो बोलता ना जी, सुखबीर की शेडो गल जी, उन्होंने नैशनल मीडिया कवर करता, एक स्टार है साडा, सारे ही चैनल इन्नी पाबंदी के बावजूद मोदी की सारे उन्होंने कवर करते, कोई है ना, कुछ तो बात है ना। तो इस करके सिद्धू साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी है। प्रियंका जी, राहुल जी साढ़े आगू ने, असी सारे ही उन्होंने सिपाही हाँ, जो जो पार्टी प्रोग्राम देगी असं उसके पैर। कांग्रेस के राजनीति करने दोष लग रहे हैं, उस बारे की कहोगे कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति? यार राजनीति करनी, राजनीति में रह के राजनीति करनी, लोगों ने पोलीटिकल बंद ने राजनीति में रह के राजनीति नहीं करनी, तो की करनी है? इंसाफ मिल जाएगा इस राजनीति, जे तुम कहो इन रोष राजनीति कहोगे, इंसाफ लिए कोई आवाज़ ना उठाएगी, क्यों ना उठाई आवाज़? असी हर डट के हर जगह पहरा देवे, नहीं परवाह करेंगे इन्हों की, बिल्कुल नहीं परवाह करेंगे। आपके माध्यम राही कहने चाहते हैं, ना डरेंगे ना झुकेंगे, डट के लड़ाई लड़ांगे। एक छोटी जी आहट भी है ना जी, किस वेले बहुत वड्डा रूप धारण कर जाती है। ये तो AICC का प्रोग्राम सारे हिंदुस्तान के बिजली नूं लैके काफ़ी जिहड़े ने विरोधी सवाल चक रहे हैं कि पंजाब सरकार वालों कोई भी प्रबंध जिहड़े नहीं किए गए, जिहदे करके लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं कोयले की कमी लैके। नहीं कोई कमी नहीं है, अजे तक बिजली ठीक है जी, कोई कट नहीं पंजाब च, मैं तो नहीं, मैं अपने घरों आया, कोई कट नहीं है। किसानों ने धरना भी, कोई मैं बाजार घूमया, सारे वैक्सीन के कैंप लगवा के आया, उत्थे कोई कट नहीं है जी, मैंने तो कोई कट नजर नहीं आया। सिर्फ मीडिया नहीं, तैयारी देखो, ये
नैशनली इंटरनेशनल मुद्दा ही कोले का इस वेले चाइना तक ये शॉर्टेज आ चुकी है। कोयले की पॉलिसी पर काम करना सेंटर गवर्नमेंट ने, यह स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये ब्रदर स्टेट सब्जेक्ट नहीं है बिजली का, यह सेंटर गवर्नमेंट का जी परचेज या सारी अडानिया अंबानिया के हाथ आ गई। अज सारा कंट्रोल किसान अंदोलन की कह दिया, सारा कंट्रोल कारपोरेट घराने अपने हत्थों से ले जा रहे हैं। ये शॉर्टेज उन्हां दी देन है। सेंटर मिनिस्टर दा गल्ला सामने आ रही है कि कोयले दी कमी दे चलदे जिथे 3 दिन तक तो बाद जिहड़ा ब्लैकआउट हो सकदा, जिथे वो मिनिस्टर बैठ के अपनी स्टेटमेंट दे रहा साडी कैपिटल दे विच दिल्ली विच, उत्थों दी आप भी सरकार जिहड़ी है कल्पन दई है रोन दई है कि साडे कोई प्रॉब्लम खड़ी है। यार ये की कहिंदे आ, उन्हां ते ना तवज्जो दिया करो, तवज्जो ये दिया करो लोग की कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।